ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplayschool.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। कमरगंज के रहने वाले एक 70 साल के बुजुर्ग की कोविड से पारस हॉस्पिटल में रात ही मौत हो गई। उनके घर वालों ने अंजुमन करवाने मिल्लत और कबीर संस्था से संपर्क किया और रात से ही अंजुमन करवाने मिल्लत के सदर रियाज खान कादरी उनके घर वालों को गाइडलाइंस देते रहे। सुबह में 10 बजे कमरगंज कब्रिस्तान में इस वक्त इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे अंजुमन करवाने मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी, कबीर सेवा संस्था के अध्यक्ष नवीन सिन्हा, मोहम्मद उमर रजाउल्लाह अंसारी, मोहम्मद रिजवान, सचिन राम और मृतक के पुत्र सहित कई रिश्तेदारों के सहयोग से उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया। रियाज खान कादरी और नवीन सिन्हा जी ने कहा कि आज अच्छी बात देखने को ये मिली है कि मृतक के परिजन दफन के वक्त काफ़ी सहयोग किए और इसी तरह होना चाहिए। हर मोहल्ले में कुछ नौजवानों की टीम होनी चाहिए। किसी समुदाय में अगर कोई कोरोना से मरता है तो लोग आगे आकर इंसानियत को जिंदा रखते हुए PPE किट पहनकर, मास्क लगाकर, ग्लव्स लगाकर, सैनिटाइज करके उन्हें दफन करें। या हिंदू समाज में कोई अगर मर जाए तो उसे जला दें। दफन के वक्त ही एक निगम कर्मचारी नसीम ने कोरोना शव की मिट्टी का विरोध किया। उसने वहां उपस्थित लोगों को भला बुरा कहने लगा कि ये शव यहाँ लोग लाए हैं, आखिर वो क्यों लाए हैं। इस दरमियान कोरोना किट उतारने के बाद उसने रियाज कादरी, नवीन सिन्हा को पहचाना तो तत्काल शांत हुआ, लेकिन फिर वार्ड जमादार अन्य मजदूरों को बुलाकर आगे कोरोना शव की मिट्टी नहीं करने की बात की। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। हमारा दरभंगा शहर भी जूझ रहा है, रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। आज भी एक करमगंज में मौत हो गई है, जिसको दफन करने के लिए हमारे अंजुमन कारवाने मिल्लत हो, कबीर संस्था हो, नवीन जी हो, उमर भाई हो और जो उनके रिश्तेदार हैं, ये देखने को आज मिल रहा है कि उनके रिश्तेदार भी इस वक्त मौजूद हैं और यही होना चाहिए। मौत बरहक है, वो आनी है, आप कहीं भी छुप जाइए, लेकिन इंसानियत को ज़िंदा रखना है। अगर आपके रिश्तेदारी में किसी समुदाय में कोई मर जाए तो कम से कम रिश्तेदार आगे आकर उसके कफन दफन का अहतमाम करें, दाह संस्कार का अहतमाम करें, ये अच्छी बात है। हम लोग तो हमेशा लगे ही रहते हैं, कई मौतों को हम लोगों ने दफन किया, जलाया गया, जिसको रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ इतना करना चाहता हूँ लोगों से, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप PPE किट पहनकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र होकर, ग्लव्स पहनकर इस काम को अंजाम दें और फिर जाकर नहा लें और दो चार दिन के लिए आप अपने क्वारंटाइन हो जाएं। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर ऐसे सब घबराने लगे तो लाशों को कोई न दफनाने वाला होगा न कोई जलाने वाला होगा। आपका नाम? रियाज खान कादरी, सदर अंजुमन कारवाने में। महामारी का समय है और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा मानक अपना करके मानवता दिखाना है, इंसानियत दिखाना है। कोरोना तो एक समान रूप में सब पर अटैक करता है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, ऊंचा हो नीचा हो, क्षेत्रवार देश, इंसान अलग अलग टुकड़ों में उसे बांटता है। ये जो स्थिति है, ये महामारी है, ये तो हर जगह पैदा हो रही है और इलाकेवार एक टीम बनानी होगी स्वस्थ युवा लोगों की, साहस लाना होगा कि कैसे उन्हें बीमार पड़ें तो अस्पताल पहुंचाएं, उनकी जान की रक्षा करें, खुदा न खास्ते ईश्वर न करे वो न रहें तो सम्मान उनके शरीर को मिट्टी मिले, लकड़ी मिले, और ये साहस लाना होगा। और मुर्दों से ज़्यादा जिंदा से डर है, उनके परिजनों से डर है। 2 मीटर की दूरी बना करके रखें, पूरा मुंह नाक डबल लेयर मास्क लगा करके अंत्येष्टि की जा सकती है। हम लोग तो सैकड़ों सब उठाए हैं, रियाज कादरी जी हों या उमर हो या दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इनके संस्था के कबीर सेवा संस्थान के लिए कर रहे हैं। ये बहादुरी नहीं है,
लेकिन एक सुरक्षा मानक अपना कर और ईश्वर की कृपा है और सुरक्षा ऐसी है कि अब तक हम लोग बचे हुए हैं। खतरा ज़्यादा जिंदों से होता है, उनके परिजनों से, क्योंकि वो संक्रमित हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो मुस्लिम हैं उन्हें कब्र में, जो हिंदू हैं उन्हें शमशान में सम्मान के साथ विधिवत प्रक्रिया के तहत जाने में परिवार के स्वस्थ और युवा लोग सहयोग करें। हम लोग तो विशेष परिस्थिति में हैं ही, लेकिन हम हर जगह हम ही लोग जाएंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए ये टीम बनानी है और ज़्यादा शक हो तो उसके बाद क्वारंटीन हो जाए। आपका नाम? नवीन सिन्हा।